नमस्कार सत्यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पुणे के केमिकल प्लांट में भीषण आग लगने से 15 महिलाओं सहित 17 की मौत। पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में केमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई। इस आग के चपेट में आने से 17 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 15 महिलाएं व 2 पुरुष मजदूर भी शामिल हैं। इस घटना पर पीएम मोदी ने दुख जताते हुए ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र में पुणे की एक फैक्ट्री में आग लगने से लोगों की मौत हुई है, जिससे दुखी हूँ। दुख में डूबे परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों के लिए 2,00,000 रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। घटना की अधिक जानकारी देते हुए पुणे के पीएमआरडीए के चीफ फायर ऑफिसर देवेंद्र पोर्टफोडे ने बताया कि इस फैक्ट्री में प्लास्टिक पैकिंग के दौरान आग लगी थी। धुआं इतना अधिक था कि मजदूरों को बचाया नहीं जा सका। अब तक 1700 बरामद किए जा चुके हैं, जिसमें 15 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। फायर ब्रिगेड द्वारा कंपनी में बचाव कार्य अभी भी जारी है। बता दें जिस केमिकल प्लांट में आग लगी है उस फैक्ट्री का नाम SVS एक्वा टेक्नोलॉजीज है। इस केमिकल प्लांट में सैनिटाइजर बनाने का काम किया जा रहा था। घटनास्थल पर दूर से ही धुएं का एक बड़ा गुबार दिखाई दे रहा है। इसी से आग की भयावह का अंदाजा लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि यह मामला पुणे से 27 किलोमीटर दूर मुसली तालुका के पिरंगुट MICD के उरावडे इलाका का है। सत्यात्रा ब्यूरो रिपोर्ट। धन्यवाद।